मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस साइंस क्लास। आई एम कविता गुप्ता, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 11, ओके? एंड व्हाट द नेम ऑफ द चैप्टर? फोर्स एंड प्रेशर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फोर्स एंड द प्रेशर, ओके? एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फोर्स। सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स मीन्स अ पुश और अ पुल। मीन्स किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करते हैं या उसे पुल करते हैं, मीन्स अपनी तरफ खींचते हैं या आप उसको धक्का देते हैं, है ना? तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके? तो ये फोर्स कहाँ होता है? डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फोर्स को अप्लाई करते हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In class 7, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? है ना? 7th class में हम speed के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? Speed, speed क्या होती है? Distance traveled in a unit time, ठीक है? किसी भी एक particular time पर आपने कितना distance cover किया है, ये चीज़ क्या कहलाती है? Speed कहलाती है। तो स्पीड के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव करता है। सो व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? व्हाट इज इंडिकेट? इट इज स्पीड। वो क्या होती है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर मीन्स एक घंटे में, अगर कोई व्हीकल है जैसे मीन्स कोई कार है, वो 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है ना? तो उसकी स्पीड क्या हुई? 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स एक घंटे में उसने 50 किलोमीटर कवर किया, डिस्टेंस कवर की, ठीक है? यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन, ठीक है? हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमने उस पर स्पीड नहीं दी, मान ली कोई व्हीकल ही है, व्हीकल हम चला रहे हैं, ठीक है, जब तक हम उसमें रेस देते हैं, स्पीड देते हैं, तब तक वो बढ़ती है ना, चलती है आगे। बट हम एकदम उसको न्यूट्रल पे छोड़ देते हैं, मीन्स सबको ना तो उसमें रेस दे रहे हैं ना कुछ स्पीड उसकी बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद हमारे जो व्हीकल है धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? धीरे होता जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ऐसे ही बॉल है, बॉल को आप जोर से किक करते हैं, ठीक है, तो आपने जितने प्रेशर से या जितने फोर्स से उसको किक किया है तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगी, पर थोड़ी दूर के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो बॉल अपने आप क्या हो जाती है? रुक जाती है ना? तो ये क्या चीज है, ठीक है? तो इन सब चीजों के बारे में ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये क्या चीज होती है? ये होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपने आप क्या हो जाता है? रुक जाता है। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? कई बार क्या होता है, कोई भी चीज जिस डायरेक्शन में जा रही है अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे होती है और एकदम से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। हैव यू एवर वंडर वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? तो मीन्स ऐसी क्या चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकती है, फास्ट कर सकती है, या उसकी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन, मीन्स जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है? तो ऐसी क्या चीज है जो इन सब के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्स। क्या कहलाता है वो? फोर्स कहलाता है जिसकी वजह से हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं, ओके? लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस, ठीक है? एवरीडे लाइफ में मीन्स हम क्या क्या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखते हैं एक बार। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? किसी भी फुटबॉल को आपको मूव करना है तो क्या करोगे? आप किक लगाओगे उस पर, अपने लेग से, अपने फिट से उसको किक करोगे। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? कोई भी एक मूव बॉल है जो ऑलरेडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसको आपको और फास्ट करना है, आप चाहते हो कि वो और भी तेजी से मूव करे, तो आप क्या करोगे? हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? कोई भी एक बॉल है, गोलकीपर आप जानते हैं फुटबॉल के अंदर भी होता है ना, तो क्या होता है, वो किसी भी बॉल को रोकने के लिए
कोई बॉल अगर गोल करने के लिए आ रही है तो उस गोल को क्या करता है, उसको रोकना होता है ना बॉल को अंदर आने से, तो वो उसको स्टॉप रोकने की कोशिश करता है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक, है ना। मीन्स फ्लिक मीन्स होता है किसी भी चीज़ से उसको हिट करना, है ना। उसकी मीन्स अपनी जो स्टिक है, स्टिक से वो क्या कर देता है, उस हॉकी जो बॉल है उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज इधर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। ठीक है, सभी सिचुएशंस में हम देख रहे हैं, या तो हम उसको किसी भी बॉल को तेजी से मूव कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। ओके, मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हम किसी भी बॉल पे क्या कर रहे हैं, किक से क्या कर रहे हैं, उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो वो क्या है, हम उस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं। पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक, उस पे किक कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं उसको, है ना। उसको थ्रोन, थ्रोन मीन्स होता है फेंकना तेजी से, है ना, और फ्लिक कर सकते हैं, ठीक है, हिट करते हैं। तो व्हाट इज अ फोर्स, तो फोर्स क्या है, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, मीन्स जिस भी बॉडी पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई हो रहा है तो वो क्या करता है। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर के अंदर सर्च करेंगे या ढूंढेंगे। ओके, कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ऐसा होता है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इन सब चीजों को मूव कर सकता है, इन डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, उन सभी टाइप्स के बारे में भी हम आगे फर्दर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ये यहाँ एग्जाम्पल, थ्री एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, अ गोल कीपर सेविंग अ गोल। गोल कीपर क्या कर रहा है, एक गोल को बचा रहा है ना, बॉल को अंदर हिट होने से रोक रहा है। सेकेंड में ये हॉकी स्टिक से बॉल की क्या कर रहा है, उसको फ्लिक कर रहा है, मीन्स उसे हिट कर रहा है। एंड थर्ड में अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। फील्डर है ये क्रिकेट में, उसको बॉल को क्या कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों केसेस में क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स मींस अ पुश और अ पुल, मींस किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, अपने से दूर धकेलना या अपनी तरफ लेना। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, और ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं, फोर्स कहलाती हैं। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स मींस अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। ओके, सो एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। इन सभी चीजों में ये सारे जो एक्शंस हैं, क्या है, ये सभी एक्शन है, किसी चीज को हम पिक उठा रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं। इन मतलब सभी में हम क्या करें, कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हैं। ओके, सो ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, और इन एक्शंस में, जब भी हम ये एक्शंस, इनमें से कोई भी एक्शन जब हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो मोशन है या उसकी डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है ना। अगर वो कैसी रह में है, स्टैटिक है, मीन्स अपनी जगह पे है, ठीक है, तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो इतनी जो सारी टर्म्स हैं, उनको क्या ये किसी दूसरी टर्म से रिप्लेस हो सकती हैं, तो इस चीज को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द एक्टिविटी 11.1, दिस द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। टेबल 11.1 गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ फेमिलियर सिचुएशंस
इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके मीन्स ये जितनी भी सारी सिचुएशंस हैं इन सब में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। और ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनसे आप क्या है फेमिलियर है, मीन्स आपको पता है कि ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में भी अपना करते हैं। यू कैन एड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन हियर। ओके इनमें से बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको इसके अलावा मीन्स आपको और भी बहुत सारी सिचुएशंस पता है तो उनको आप रिप्लेस कर सकते हो, मीन्स इसमें ऐड कर सकते हो आप उन्हें भी। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस एज अ पुश एंड और अ पुल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू हेल्प यू। ओके मीन्स इसमें देखिए डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिचुएशन। फर्स्ट कॉलम ये एक तो सीरियल नंबर का है, सेकेंड कॉलम में है आपका सिचुएशंस दी हुई हैं कि क्या क्या सिचुएशंस में हो सकती है ना। सेकेंड में क्या है एक्शन कि कौन सा एक्शन हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट में दिख रहा है ना आपको पुशिंग पुलिंग पिकिंग हिटिंग, पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं। पिक मीन्स होता है उठाना किसी चीज को, हिट करना मारना, लिफ्ट मीन्स भी होता है उठाना, लोअरिंग ठीक है मीन्स को लो कर रहे हैं, फ्लाई मीन्स किसी चीज को हवा में फेंक रहे हैं, उसको किक कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, शटिंग मीन्स बंद करना, फ्लिकिंग मीन्स मारना जैसे हिट करना होता है ना किसी चीज को, जैसे हॉकी स्टिक से हम बॉल को हिट करते तो वो कहलाता है फ्लिकिंग। ओके तो ये सारे क्या है एक्शंस हैं, तो किस सिचुएशंस में हम कौन से एक्शन यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं कि वो पुश है या पुल है। ओके तो देखिए फर्स्ट इसमें दिया है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, मीन्स किसी एक टेबल पर एक बुक है उसे हम क्या करना है मूव करना है। तो पुशिंग पुश भी कर सकते हैं हम उसको, पुलिंग पुलिंग भी कर सकते हैं मीन्स हम अपनी तरफ भी खींच सकते हैं ठीक है, और पुश भी कर सकते हैं, लिफ्ट लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, ये सारे एक्शंस हम उसमें यूज करते हैं ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है, दोनों ही चीजें अप्लाई हो रही हैं। सेकेंड है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, किसी भी डोर को खोलना और बंद करना, दोनों ही सिचुएशंस में देखिए पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है। डोर को अगर आप खोल रहे हैं, कई बार तो होता है डोर आपका पुश करने पर खुलता है और कई बार अपनी तरफ पुल करने पर खुलता है ना, तो इसमें दोनों ही केस अप्लाई होते हैं पुशिंग पुलिंग। इसके अलावा इसमें से देखिए और क्या हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं उसको पिक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, लोअर किकिंग थ्रोइंग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शटिंग हो सकता है मीन्स उसको हम बंद कर रहे हैं है ना। तो ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे पुशिंग पुलिंग एंड शटिंग ठीक है। और एक्शंस में क्या आ जाएगा, पुश भी है यस, पुल यस, पुश भी हो रहा है पुल भी हो रहा है। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ इसका थर्ड, बाकी ये सब आप पूरी टेबल आपको खुद से फिल करनी है। ओके ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल मीन्स एक वेल से कुएं से आपको एक बकेट पानी की ऊपर खींचनी है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल में से आपको एक बाल्टी क्या करना है पानी निकालना है ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए पुश कर रहे हैं क्या आप, पुश तो नहीं हो रहा है ना, मीन्स आपको केवल ऊपर खींचना है बकेट को, तो पुश नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा पुलिंग। पिकिंग पिक नहीं हिट, लिफ्ट लिफ्ट हम उसको कर रहे हैं ठीक है, लिफ्ट कर रहे हैं मीन्स ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, लोअरिंग फ्लाइंग किकिंग थ्रोइंग शटिंग फ्लिकिंग मतलब बाकी कोई भी एक्शन नहीं है इसमें हम लिख सकते हैं पुलिंग, हम उसको पुल कर रहे हैं है ना, और लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ उसको उठा रहे हैं और अपनी तरफ उसे खींच रहे हैं ठीक है। तो एक्शन में क्या हो सकता है इसमें, पुश पुश नहीं हो रहा है इसमें, ओनली क्या हो रहा है कौन सा एक्शन हो रहा है पुल, पुल हो रहा है केवल इसमें हम अपनी तरफ उसे खींच रहे हैं। ओके देखिए फोर्थ एक और देख लीजिए, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक ठीक है, एक फुटबॉल है उसको एक पेनल्टी गोल होता है ना जिस तरीके से उसको मिल जाता है हिट करने के लिए, तो वो क्या करता है बॉल को वो पुश करेगा या पुल करेगा, पुश करेगा है ना, पुश करेगा, पिक नहीं करेगा, हिटिंग करता है वो, हिट करेगा उसको किकिंग करेगा है ना, किक मारेगा उसके ऊपर ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें फोर्थ के अंदर हो जाएंगी, मीन्स इसमें पुल नहीं हो रहा है केवल क्या चीज हो रही है पुश हो रहा है ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको फिल करनी है। ओके लास्ट जैसे देखिए ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर आपको ओपन करनी है, ओपन करने के लिए आप उसे अपनी तरफ पुल ही करेंगे, पुश तो नहीं करेंगे, पुश करने से तो ड्रॉर बंद हो जाएगी,
पुल करेंगे तभी वो क्या होगी, ओपन होगी, है ना। तो ये हो जाएगा इसमें पुलिंग। तो ये कौन सा एक्शन है, इसमें पुलिंग का एक्शन है, ठीक है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ, ठीक है। इन एक्शंस पे हमने क्या देखा, या तो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है या दोनों ही चीजें हो रही है। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड, ठीक है। कैन बी इन्फर, इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उसको मूव करने के लिए या तो उसको पुश करना पड़ता है या उसको पुल करना पड़ता है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ओके। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। सो अंडरलाइन दिस डेफिनेशन एंड नोट डाउन इट इन योर नोटबुक, ओके। मीन्स अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स, ओके। मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई मोशन अप्लाई हो रहा है तो वो किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टॉप हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो वो सारी चीजें केवल किसकी वजह से होती हैं, एक्शंस ऑफ अ फोर्स, फोर्स की वजह से ये सब होता है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट, ओके। मीन्स फोर्स की बात तो हमने कर ली कि पुश और पुल होता है वो फोर्स होता है, बट फोर्स कब लगता है, कब अप्लाई होता है, कब हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फोर्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, किसी भी फोर्स को अप्लाई होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। देखिए ये बॉक्स में क्या लिखा है, आई लर्नड इन क्लास 7 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स, पढ़ा है हमने जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, क्या जो वो अट्रैक्शन है वो पुल है, यस। वॉट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, हमने पढ़ा था एक मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है ना। जब नॉर्थ और साउथ टू मैग्नेट्स अगर हमने रखी हैं, दोनों के अगर नॉर्थ सेम पोल हम पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगी। और जब क्या होते हैं डिफरेंस जो पोल्स है ना, मीन्स एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज हम जानते हैं, है ना। तो मीन्स जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा लग रहा है, पुल, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। मैग्नेट क्या कर रही है, आयरन को अपनी तरफ खींच रही है, ओके। और दोनों आयरन के बीच में जब रिपल्शन होता है दोनों पोल्स के बीच में, तो वो क्या है, पुश, है ना, वो एक दूसरे को पीछे की तरफ पुश करती है, ठीक है। तो मीन्स सेम ही सिचुएशंस है ना, बट हमने पोल्स चेंज कर दिए, तो एक में तो पुश हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। तो बहुत सारे घर पर भी आप इस तरह की एक्टिविटीज कर देख सकते हैं कि कहाँ तो आप पुल अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पर आप पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं, मीन्स हम उसे पुल कर रहे हैं, और किसी चीज को अगर हम अपने से दूर लेकर जा रहे हैं तो हम उसे पुश करते हैं, ओके। देखिए और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स होता है दो लोगों के बीच में आपस में, ठीक है, जब एक दूसरे के वो पास आते हैं, तो इंटरेक्शन मीन्स वो चीज है ना। तो फोर्स कब होता है, इंटरेक्शन, जब दो उस चीज के लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब भी हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, वो लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट टू ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, दोनों का पास आना जरूरी है, तभी वो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ओके। देखिए सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, दिख रहा है आपको फिगर 11.2A, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, स्टेशनरी मीन्स अभी कार खड़ी है, चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, अपनी जगह पर प्लेस पर खड़ी है, और एक मैन उसके पीछे खड़ा हुआ है, ओके। एक तो ये सिचुएशन है, ओके। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या केवल पीछे खड़े रहने से ही कार मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, क्या लगता है आपको, वो मैन उसके पीछे खड़ा है तो वो क्या कार मूव करेगी, नो, कार मूव नहीं करेगी।
सपोज अ मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, ठीक है। अब सपोज करो कि वो जो पीछे खड़ा है मैन, वो गाड़ी को क्या करता है, पुश करने की कोशिश करता है। ओके, सो 11.2b दिख रहा है आपको सेकेंड फिगर, इसमें तो देखिए ये मैन यहाँ खड़ा है, ये कार स्टेशनरी है, मीन्स ऐसे खड़ी है और ये पीछे खड़ा है केवल। सेकेंड में क्या कर रहा है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है ना। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, इट मीन्स क्या है कि सेकेंड फिगर में वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन सा फोर्स है, पुश। द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो कार अब कहाँ मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी जो कार है वो मूव करेगी, वो पुश कर रहा है, मीन्स वो अगर आगे की तरफ उसको धक्का दे रहा है तो कार आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी, पीछे नहीं आएगी ना। अगर वो उसको पुश कर रहा है तो वो आगे ही, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वो गाड़ी मूव कर रही है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, ओके। तो जो मैन है वो कार को पुश कर रहा है उसको मूव करने के लिए। नाउ 11.3a, देखिए हु इज पुशिंग हू, क्या लग रहा है इसमें, दो गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये पुश कर रही हैं। जब भी हम लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, अपनी तरफ थोड़ी खींचते हैं, धक्का देते हैं, उसको पुल कर सॉरी पुश करते हैं। तो ये दोनों भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल रही है ना। तो आपको क्या लग रहा है, कौन पुश कर रहा है, दोनों ही पुश कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। नेक्स्ट बी में क्या है, देखिए हु इज पुलिंग हुम, अब कौन किसको पुल कर रहा है, इसमें भी दोनों क्या कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रही हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इस तरीके से हाथ पकड़ रखा है ना दोनों ने एक दूसरे का, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं और दोनों क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं, ठीक है। 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Three situations दी हुई हैं। First हमने पढ़ी थी जिसमें दोनों गर्ल्स पुश कर रही थी, सेकेंड है जिसमें दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुल कर रही हैं, और एक और है नीचे थर्ड। देखिए अभी क्या है ये, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस, आप बता सकते हो कि कौन तो पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है। इन फिगर 11.3a Both the girls appear to push each other. दोनों ही क्या लग रही हैं girls की, एक दूसरे को push कर रही हैं. While in the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. Second figure में दोनों ही girls एक दूसरे को pull कर रही हैं. Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other. ठीक है, दिख रहा है आपको second third figure है इसमें. Who is pulling whom? इसमें जो गाय है ना, काऊ है, वो उस मैन को अपनी तरफ खींच रही है और जो वो मैन है वो काऊ को अपनी तरफ खींच रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, मैन और काऊ दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ओके। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, तो दोनों जो गर्ल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काऊ, और ये ही आपका थर्ड सिचुएशन में भी हो रहा है, काउ भी ये जो है फोर्स अप्लाई कर रही है और मैन भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, एनिमल्स भी क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, दिख रहा है ना आपको इसमें, ओके। तो एनिमल्स जो है, क्या काउ है, वो भी क्या कर रही है, पुल कर रही है, ये नहीं कि वो सीधे खड़ी हुई है, वो भी अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है, ओके। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Okay? So, इस example से हमें क्या पता चला है, क्या हम conclusion निकाल सकते हैं कि किसी भी force को apply होने के लिए at least two objects का होना, उनका interact होना, interaction होना आपस में क्या है, जरूरी है. Thus, an interaction of an object with another object results in a force between the two objects. Okay? Means एक object जब दूसरे object के साथ interact करता है तो वो आपस में क्या लगाते हैं, एक दूसरे पर force apply करते हैं, ठीक है। समझ में आया अभी आपको इतना, okay? So चलिए अभी मैं केवल इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये new topic है, आपको समझने में भी थोड़ा time लगेगा, तो बस अभी आप इतना ही chapter अच्छे से इसको book में से read करना अभी, okay? कि force क्या होता है और force के लिए क्या चीजें जरूरी है, ओके okay?
सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो. ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.